केवल इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा नीचे गया। मैं डॉक्टर मनोरमा तिवारी। मैं डॉक्टर रश्मि। मैं सुधाकर बहिला। मैं डॉक्टर रोली पांडे। मैं डॉक्टर रश्मि नायर, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान विभाग, सुधाकर महिला पीजी कॉलेज में कार्यरत हूँ। आज का कार्यक्रम कैसा रहा? आज का कार्यक्रम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम जिसमें शिक्षकों का सम्मान किया गया, ये अत्यंत सराहनीय और प्रशंसनीय कार्यक्रम था। इसमें जो मुख्य बहुत सारे अतिथिगण यहाँ पे मौजूद थे, जो मुख्य मुझे विषय लगा उसमें गुरु शिष्य परंपरा, जो हमारी पुरानी परंपरा रही है उसको पुनर्जीवित करने का काम हमें करना चाहिए, जिसमें बच्चों को केवल आर्थिक रूप से मशीन नहीं बनाना है पैसा कमाने वाली, और बच्चों का सर्वांगीण विकास स्पेशली उनके जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उसको डेवलप करने का काम करना चाहिए। मैं डॉक्टर मनोरमा तिवारी, सुधाकर महिला पीजी कॉलेज, खजूरी पांडेपुर वाराणसी, हिस्सा आचार्य हूँ। और आज हम लोगों को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी विद्यापीठ में आमंत्रित किया गया था। ये प्रोग्राम जो है APVP की तरफ से था, जो कि बड़ा ही सराहनीय और प्रशंसनीय था। मेरा नाम डॉक्टर प्रीति सिंह है। मैं सुधाकर महिला PG कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे नियुक्त हूँ। महिला के शिक्षा सुधार को आप किस तरह देखते? देखिए, एक महिला शिक्षित होगी तो उससे पूरा देश शिक्षित होगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर एक वयस्क को वो जन्म देती है तो उस बच्चे की पहली शिक्षिका जो है वो माता के रूप में निभाती है, और वहीं से समझ लीजिए अगर वो शिक्षित है तो वहीं से वो देश का भविष्य तैयार कर रही है, और इसकी वजह यही कारण है कि हम लोग आजकल गवर्नमेंट की तरफ से जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला जागरूकता अभियान, बहुत सारी चीज़ें, ऐसे नियम कानून बनाए जा रहे हैं जिससे कि महिलाओं को शिक्षित किया जा रहा है। एक महिला शिक्षित होगी तभी पूरा राष्ट्र शिक्षित होगा, पूरा देश का भविष्य शिक्षित होगा। और हमें ये भी करना चाहिए कि बच्चों के छोटे जो बच्चे हैं उनके पढ़ाई में राष्ट्रहित के बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा नॉलेज, उसमें कुछ उनके चैप्टर्स इंक्लूड करने चाहिए जिससे उनको अपने राष्ट्र के बारे में हम की भावना आए, ना कि ये भावना आए कि हम बंगाली हैं, हम मुसलमान हैं और हम अनदर कास्ट के हैं। उसमें ये चीज़ें आनी चाहिए कि हम हिंदुस्तान। क्षेत्रवाद पे मेरा ये कहना है कि हम किसी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित ना रह जाएं, किसी भाषा विशेष तक ही सीमित ना रह जाएं, किसी स्थान विशेष तक सीमित ना रह जाएं। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, G20 की जो अध्यक्षता हो रही है और इसके लिए जो उद्घोष वाक्य रखा गया है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही कुटुंब के समान है। और दूसरी बात कि संघीय शक्ति, जब हम क्षेत्र में बढ़ जाएंगे, थोड़े थोड़े टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, भाषाओं में बढ़ जाएंगे, तो हम कभी भी अपना विकास नहीं कर सकते हैं। जब हमें सर्वांगीण विकास चाहिए तो हमें एक होना होगा, समग्र होना होगा, और उस समग्रता में ही भारत जो है सिरमौर बन सकता है, और भारत के साथ साथ जो है संपूर्ण राष्ट्र का विकास, एक चमकता हुआ भारतवर्ष विश्व का सिरमौर। डॉक्टर प्रतिमा श्रीवास्तव, सुधाकर मेरा PG कॉलेज, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और आज का जो आप लोग का ये प्रोग्राम था वो बहुत अच्छा था, शिक्षकों के सम्मान में। इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये दिखाई गई कि शिक्षक और बच्चे दोनों के बीच में एक मित्रवत संबंध होना चाहिए, जिससे कि जो आजकल इतनी ज़्यादा जो समस्याएं हो रही हैं, चाहे वो लड़के हों स्टूडेंट के रूप में, चाहे लड़कियाँ हों, बहुत सारे क्राइम भी बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हो रही हैं, उनका भी, उनके लिए भी बच्चे जो हैं आकर अपने टीचर से बोले और उनके साथ मित्रवत व्यवहार करके उनको टीचर सही राह दिखाए। और बच्चों का केवल टीचर एक शिक्षक के रूप में, किताबी नॉलेज के रूप में ही न रहे, बल्कि उसको हर तरह से, जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके, उसका सबसे जरूर उसमें मानसिक विकास होता है, क्योंकि एक बच्चा छोटे से लेकर बड़े तक हर जगह नई नई जगहों पर जाता है, नई नई जगहों पर नई नई चीज़ों को देखता है, नई नई चीज़ों से मिलता है। और उसका बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब गांव के होते हैं, वो शहर में आके पढ़ते हैं, उनको यहाँ पे आके बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उसमें बहुत बच्चे जो होते हैं वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो उसमें अगर एक शिक्षक माता के रूप में या एक मित्र के रूप में उनके साथ रहे तो वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिससे वो बच्चे अपने मन की बात अपने टीचर से कहें और वो बच्चों का हर तरह से मानसिक विकास करें। बिना मानसिक विकास के किसी बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, क्योंकि मानसिक विकास होगा तभी बच्चा किसी भी दिशा में सही तरह से सोच सकता है, समझ सकता है और आगे बढ़ सकता है। मैं डॉक्टर रोली पांडे, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, सुधाकर महिला PG कॉलेज। आज हम लोग यहाँ अखिल भारतीय विकास परिषद के कार्यक्रम में शिक्षक सम्मान समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए।
तो शिक्षक सम्मान समारोह में आप शामिल होने आई थी, डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में कुछ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के राष्ट्रपति थे, उन्हीं के जन्मदिन पर यह जो है मनाया जाता है शिक्षक सम्मान समारोह। आज हम उनको इस दिन याद करते हैं और अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि हमको उनके जीवन से बहुत चीज़ें सीखनी चाहिए और उसको भूलना नहीं चाहिए, उसको अपने जीवन में चरित्रार्थ करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति है, परंपरा है, उन चीज़ों को हम ना भूलें, उनको हम अपने साथ आत्मसात करें, हम नवीनताओं को अपनाएं, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, वो कभी बदलेंगी नहीं, उसी को हमें लेकर आगे बढ़ना है। नए जनरेशन के लिए कुछ बताना चाहेंगे, आज के समय नए जनरेशन के जो छात्र हैं वो किस तरह आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें? नए जनरेशन के छात्रों के लिए यह संदेश है कि वह जो भी कर रहे हैं न्यूनताओं को अपनाएं, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, जिसके लिए पूरा विश्व हमारे देश की संस्कृति को अपना रहा है, कोरोना काल इसका उदाहरण रहा कि हम जो है अपने देश की संस्कृति को आगे बढ़ा, जो है पूरे देश ने हमारी संस्कृति को स्वीकार किया, तो वह जनरेशन उन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े, उनसे यह संदेश है कि जो हमारे देश का विश्व में नाम करे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र हो, कंप्यूटर, हर जगह उनको आगे बढ़ना है, लेकिन अपने देश की संस्कृति और अपने मेन काम कि उनको राष्ट्रवाद को लेकर चलना है, किसी क्षेत्र विशेष को आगे बढ़ाने से काम नहीं होना है।